हमारी मुख्य मांगे ये है कि जो हमारा 55 मेगावाट का टेंडर है इसको जल्द से जल्द जो L1 रेट आई है उसको एक्सेप्ट करा के तुरंत इस टेंडर को जो है धरातल पे लेकर आप टेंडर जारी करने की मांग को लेकर डिस्कॉम की AVVNL पंचशील कार्यालय पर बिल्डर्स का प्रदर्शन। 55 मेगावाट सोलर रेजिडेंशियल रूफटॉप सब्सिडी स्कीम के टेंडर जानबूझकर जारी नहीं करने के लगाया आरोप। मंगलवार को पंचशील स्थित अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कार्यालय पर पूरे प्रदेश भर से आए 197 बिल्डर्स ने धरना प्रदर्शन कर अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बिल्डर्स का आरोप था कि 55 मेगावाट सोलर रेजिडेंशियल रूफटॉप सब्सिडी स्कीम के तहत बिल्डर्स ने टेंडर भरे हैं, लेकिन विद्युत विभाग के अधिकारी जानबूझकर उसमें कोई ना कोई कमियां निकालकर उन्हें महीनों से परेशान कर रहे हैं। 12 मार्च 2022 को टेंडर आ चुके लेकिन नाकारा अजमेर डिस्कॉम अधिकारी आज अगस्त माह तक भी टेंडर जारी नहीं कर पाए। उन्होंने बताया कि कभी यह डॉक्यूमेंट तो कभी वह डॉक्यूमेंट की कमी का हवाला देकर बिल्डर्स को परेशान किया जा रहा है, इसलिए आज प्रदेश भर के सभी 197 बिल्डर्स ने AVVNL कार्यालय में धरना शुरू कर दिया। जब तक अधिकारी टेंडर जारी नहीं करते तब तक धरना देकर प्रदर्शन किया जाएगा। डिस्कॉम के हम सभी 55 मेगावाट सोलर रेजिडेंशियल रूफटॉप सब्सिडी स्कीम के हम बिडर्स हैं। हम 197 बिडर्स हैं जिन्होंने राजस्थान की सोलर रेजिडेंशियल रूफटॉप सब्सिडी के अंदर टेंडर भरे हैं। 12 मार्च 2022 को ये टेंडर आ गया था और आज 15 अगस्त भी खत्म हो चुकी है। अजमेर डिस्कॉम की इतनी अनियमितताएं हैं, अभी तक इतने महीने हो गए हैं लेकिन अजमेर डिस्कॉम राजस्थान की जनता तक टेंडर नहीं पहुंचा पा रहा है। आज रोज इसके अफसर सोलर के जो अजमेर डिस्कॉम के सोलर डिवीजन के जो अफसर हैं वो रोज एक कमियां निकाल देते हैं कि आज ये डॉक्यूमेंट जमा कराओ, फिर वापस बोल देते हैं आज ये डॉक्यूमेंट जमा कराओ। आज हमको इतने साल हो गए काम करते हुए, कभी भी अजमेर डिस्कॉम जैसा हमने भ्रष्टाचारी डिपार्टमेंट नहीं देखा है। आज सोलर रूफटॉप आप सभी को पता है कि हर घर सोलर लगना चाहिए, आज अगर एक दिन भी सोलर लेट होता है तो वो कितनी बिजली का नुकसान है, लेकिन इनको किसी को कोई समझ में नहीं आ रखा। 197 बिडर यहाँ पे आए हुए हैं, टेंडर में इतनी अनियमितता है। अजमेर डिस्कॉम हमको प्रेशराइज कर रहा है कि जो जयपुर डिस्कॉम की रेट निकल के आई है उसको जोधपुर डिवीजन और अजमेर डिवीजन सारे डिवीजन उसको एक्सेप्ट करें। इतनी गुंडागिर्दी कर रखी है कि अगर मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ कि अजमेर डिस्कॉम की 44,000 रुपए की कोई प्राइस आई है तो अजमेर डिस्कॉम हमको कह रहा है कि इस प्राइस को 40,991 रुपए पे लेके आओ। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर हम किसी भी बिडर ने अगर कोई प्राइस को डाला है तो वो सोच समझ के डाला होगा, कहीं क्वालिटी को सोच समझ के डाला होगा कि किस तरीके का वो प्रोजेक्ट करेगा। कस्टमर के यहाँ पे 25 साल का कोई प्रोजेक्ट लग रहा है तो एक कीमत तय होती है उसकी, बहुत सोच समझ के प्राइस डाल दिए। अजमेर डिस्कॉम उस प्राइस को भी नीचे लेके आने की कोशिश कर रहा है। अब ये सारी अनियमितताओं के लिए हम लोगों ने आज डिसाइड किया है कि हम परेशान हो चुके हैं। पहले तो ये जो अजमेर डिस्कॉम के हम लोगों को हर जगह से चक्कर यहाँ पे लगाने पड़ते हैं, हम आधे परेशान तो इस वजह से हैं। आज भी इतनी तेज बारिश के अंदर आप ये सब जनों को देख रहे हैं अपने प्रदर्शन के लिए यहाँ पे आए हुए, और आज हमने इनको चिट्ठी दे रखी है उसके बाद भी आज यहाँ पे कोई भी उपस्थित नहीं है। ये साफ जाहिर करता है कि ये लोग इररिस्पॉन्सिबल है और अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। इस विशाल धरने में आप कहाँ कहाँ के बिल्डर्स आए हैं? आज पूरे राजस्थान के, जयपुर के, जोधपुर के, अजमेर के तीनों डिस्कॉम के बिल्डर्स यहाँ पे आए हुए हैं। हर छोटे गांव का बिल्डर आया हुआ है, हर बड़े शहर का बिल्डर आया हुआ है। मुख्य मांगे क्या है आप लोग? हमारी मुख्य मांगे ये है कि जो हमारा 55 मेगावाट का टेंडर है इसको जल्द से जल्द जो L1 रेट आई है उसको एक्सेप्ट करा के तुरंत इस टेंडर को जो है धरातल पे लेकर